तो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यार बहुत ही कमाल का टोटका वशीकरण के बारे। अगर आप चाहते हैं इस टोटका से वशीकरण करना चाहते हैं, लड़की को वश में करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही कमाल का बहुत ही गजब का वशीकरण टोटका है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टोटका है ये है पपीता का पेड़। पपीता का पेड़ पे अगर आप चाहते हैं वशीकरण करने के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का वशीकरण टोटका होता है। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले इसी तरह का वीडियो को नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलेगा। तो गाइस, देख सकते हैं ये जो पपीता का पेड़ है दोस्तों, इस पपीता का पेड़ पे अगर आप चाहते हैं किसी भी स्त्री का नाम लिखने के लिए तो आप इस पर नाम लिख सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल का वशीकरण टोटका होता है। अगर आप इसको घर बैठे करना चाहते हैं तो वशीकरण टोटका कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल का वशीकरण टोटका होता है। अगर आप भी चाहते हैं वशीकरण टोटका, किसी को चाहते हैं, पसंद करते हैं, बात नहीं बनता है, लव मैरिज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इस वशीकरण टोटका को कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल का वशीकरण टोटका होता है। इस पे आपको किसी भी स्त्री का नाम लिख देना है जिसको चाहते हैं, उसका नाखून से यहाँ पर लिखना है नाम, उसका नाखून से यहाँ पर लिखना है नाम, और इसका बाल को अगर आप यहाँ पर बांध देते हैं तो ये वशीकरण टोटका आपका काम आएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल का वशीकरण टोटका होता है। इसको करने के लिए आपको लड़की का बाल और नाखून चाहिए जो कि कोई भी आदमी देखे नहीं, कोई भी आदमी टोके नहीं। उस समय आपको करना है इसको, उस समय करना है जिस समय आपको कोई भी वहाँ आदमी देख नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं किसी ने पहले से नाम लिखा।